घर की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो भी एक बार के लिए बहुत डाउन हो गई थी। उसके बाद मेरी मम्मी ने प्रिपरेशन स्टार्ट की गवर्नमेंट जॉब की, अभी बाय गॉड वो लेक्चर है। मैं जब बिल्कुल लगभग फिफ्थ या सेवन्थ क्लास में थी उस टाइम मेरे पापा की डेथ हो गई थी। वो टाइम मेरे लिए बहुत स्ट्रगलफुल रहा है, लेकिन दूसरा मैं मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे चैलेंजेस से लड़ना सिखाया, सबको मतलब कैसे सबको दूर करके हम आगे लाइफ में बढ़ सकते हैं। मैं बारी बारी में आपकी टीम को बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना चाहूंगी, उन्होंने मतलब पढ़ाने के साथ साथ जीवन को कैसे जिया जाता है, लाइफ को जीने का तरीका सिखाया है। बारी बारी में हर लेक्चर लेने से पहले एक दो मिनट ऐसा होता है कि जब आप लोग लाइफ पे डिस्कस करते हो, वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सबका CUET हिंदी मीडियम पर। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे बोर्ड एग्जामिनेशन एक साथ बीते हैं, अभी CUET की परीक्षा भी बीती है और हमारे बच्चे लगातार मेहनत करके कोशिश करके हिंदी माध्यम के बच्चों ने भी एक से एक परचम लहराया है, एक से एक झंडे गाड़े हैं। और इसी क्रम में आज मेरे साथ एक बच्ची है, अभी अभी राजस्थान बोर्ड का रिजल्ट आया है, हिंदी माध्यम की बच्ची है जो लगातार हमसे जुड़ी रही बहुत दिनों से। और आज हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि उसके 98% मार्क्स राजस्थान बोर्ड के अंदर आए हैं, जिसमें कुछ सब्जेक्ट्स में तो 100 out of 100 भी आए हैं। तो मेरे साथ है ममता जो कि बीकानेर से है। ममता, आई वेलकम यू ऑन द चैनल, स्वागत है बेटा आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सर। तो ममता देखिए, ये जो इंटरव्यू सेशन है बेसिकली इसमें बहुत ज्यादा मुझे कहना नहीं है, ये सेशन वो है जिसमें हम एक तरह से टॉपर की कहानी, उन्हीं की जुबानी, ये हमारा पूरा उद्देश्य रहता है। तो मैं आपसे दो चार छोटी छोटी चीजें पूछूंगा और मैं चाहूंगा कि आप अपने पूरी जर्नी को, आप अपनी पूरी स्ट्रेटजी को, या आप अभी कैसा फील कर रहे हैं, या शुरुआत में जब आप एग्जाम दे रहे थे तो कैसा फील कर रहे थे, उसके पहले की क्लासेस में क्या स्ट्रगल्स रही, सारी चीजें जो बच्चों के काम आ सके वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, आप भी इस सेशन को खूब शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को, अपने जूनियर्स को भी दिखाइएगा ताकि वो भी मोटिवेट हो। तो ममता, सबसे पहले मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि सबसे पहले आप सभी को अपना रिजल्ट बताइए कि आपका रिजल्ट क्या रहा है। और बताने से पहले मैं अपनी पूरी CUET हिंदी मीडियम टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अब आप एक एक करके अपना रिजल्ट बताइए सब्जेक्ट्स में। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत थैंक यू, ये सब जो है आप सब लोगों की मेहनत की वजह से हुआ है। इसमें अगर 50% मेहनत मेरी है तो 50% आपकी भी है। एक्चुअली मैं इससे भी ज्यादा मानती हूँ। मैं राजस्थान बोर्ड से हूँ और राजस्थान के बीकानेर डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ। मेरे अभी 12th बोर्ड का रिजल्ट आया है आज और उसमें मैंने 98% स्कोर किया है। बहुत बढ़िया। तो इसमें सब्जेक्ट वाइज भी आप थोड़ा बताओ, कौन कौन से सब्जेक्ट थे और कितने नंबर आपके आए? मैं वैसे ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से हूँ और मेरे ज्योग्राफी में 100 out of 100 आए हैं। पॉलिटिकल साइंस में अविनाश सर की हेल्प से 99, इकोनॉमिक्स में भी पूरा क्रेडिट अविनाश जी सर को जाता है 98%, और इंग्लिश में थोड़ा कम है 95 है, और कौन सा सब्जेक्ट रह गया, हिंदी में 98। एक तो पता नहीं क्यों बच्चे मेरा नाम गलती से बार बार अविनाश बोलते हैं, अवनीश सर को अविनाश सर बोल देते हैं गलती से, कोई बात नहीं, तुमने घर में भी रिश्तेदार भी बोल देते हैं जो ये वीडियो देख रहा होगा ना, किसी को लगे कोई अविनाश सर थे, बट क्लियर कर दो कि मैं ही हूँ कि नहीं। अविनीश सर? नो सर, मेरे मुंह से तो अविनाश ही निकल रहा है। वो कई बच्चे बोलते हैं, कोई बात नहीं, चलो एक ही बात है। तो ये बच्चों आपने सुना कि कितना बेहतरीन मार्क्स इस बच्चे का है, भूगोल में इसने 100 out of 100 किए हैं, और जो इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल जो संजोग से मैं पढ़ाता हूँ उसमें लगभग 98-99 मार्क्स इसके हैं। ये मजाक नहीं है बेटा, ममता जो तुमने अचीव किया है निश्चित तौर पर ये मजाक नहीं है। बहुत लोगों का सपना रह जाता है कि 90 में टच कर लूँ किसी तरीके से, 80 के लिए लोग तरसते हैं, और राजस्थान बोर्ड के अंदर तुमने ये 99, 98 और 100 मार्क्स का जो अचीवमेंट किया है, सबसे पहले तो मतलब इसमें कोई इफ बट ही नहीं है कि तुम बधाई के पात्र हो, और तुम्हारी मेहनत के लिए तुम्हें सलाम। तुम भले ही हमें क्रेडिट दे रही हो, वो तो हमारा एक छोटा सा पार्ट है, हम प्ले कर रहे हैं और हजारों बच्चों पढ़ते हैं, लेकिन इसमें कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जो इसको कंटिन्यू कर पाते हैं। तो तो अब मैं आपसे जरा सा सबसे पहले बात पॉलिटिकल साइंस पर करूंगा कि पॉलिटिकल साइंस के बारे में बताओ कि पॉलिटिकल साइंस को तुमने कैसे तैयार किया, क्या स्ट्रेटेजी रही और क्या दिक्कतें आती हैं, और फिर एग्जाम देने में तुम्हें क्या फील हुआ? जो मेरी पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी रही है वो मेरी स्टार्टिंग से ही बहुत इंटरेस्टिंग रही है। एक तो ये जो सब्जेक्ट है ये एक मतलब स्टोरी के अकॉर्डिंग है, ऐसे पढ़ते हैं तो इसमें इंटरेस्ट आता रहता है, बोर भी नहीं होते, और ऊपर से मतलब मुझे टीम का सपोर्ट भी इस तरह से मिला कि कभी बोर होने ही नहीं दिया। मैं इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन मतलब जब हमारे समर वेकेशन स्टार्ट होते हैं उसमें पहले तो मैंने ऑनलाइन क्लासेस नहीं ली थी, पहले मैंने पूरी NCERT रीड की थी। उसके बाद NCERT के एक बार रीड करने के बाद मैंने सोचा कि पहले कोई देखती हूँ कुछ अच्छा चैनल मिलता है, तो फिर मैंने गूगल पे सर्च किया, यूट्यूब पे सर्च किया, तो सबसे पहले अविनाश सर का सपोर्ट मिला। उसमें मैंने ट्राई किया, एक दो मतलब डेमो क्लासेस ली, फिर मुझे लगा कि हाँ इसमें मेरा सही हो सकता है। उस टाइम मैं ड्रीम 100 का टारगेट लेके चल रही थी,
और मैं सभी से मतलब ज्यादा खास तौर पे यही कहना चाहूंगी, एनसीईआरटी पे जितना ज्यादा फोकस हो सकता है उतना करो, नोट्स है वो खुद से मतलब कोशिश करो कि खुद से प्रिपेयर करो, क्योंकि हम जब दूसरों के नोट्स पे बेस्ड रहते हैं तो वो दूसरे की थिंकिंग होती है, और जब हम खुद बनाते हैं तो हमें याद भी उसके अकॉर्डिंग रहने लगता है। बहुत बढ़िया। तो एक पॉइंट मैं लिखता हूँ बच्चों के लिए कि एनसीईआरटी आपके मुताबिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और एनसीईआरटी बच्चे शुरू से पढ़ें। और एक चीज और इस बच्चे का आपने नोट किया होगा कि बच्ची यूट्यूब पर सर्च कर रही थी भले ही, लेकिन इसका टारगेट 100 का था, यानी शुरुआत दौर। मैंने कल भी एक लाइन बोली थी कि भाई आप एक लक्ष्य बड़ा ही बनाकर चलिए ताकि आपके जीवन में जो है आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम अचीव कर सकें। तो ये तो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी आपने अपनाई। दूसरा बच्ची ने बताया कि कहानी के तौर पर मैंने पॉलिटिकल साइंस को, और निश्चित तौर पर है भी, अगर आप फर्स्ट बुक भी देखें, क्यों बच्चे सीट युद्ध के दौर से लेके आगे तक एक कहानी के तौर पर चलता है, और सेकंड बुक में भी राष्ट्र निर्माण की चुनौती, इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद कैसे राष्ट्र का निर्माण हुआ और कैसे पूरी पॉलिटिकल जर्नी, इलेक्शन की जर्नी रही, वो एक कहानी के तौर पर, ये बहुत बढ़िया। अब इसके पहले कि मैं दूसरे सब्जेक्ट्स पर आऊं, बीच में मैं आपको थोड़ा दूसरे की तरफ भी ले चलूंगा कि बेटा थोड़ा आप अपने बारे में बताओ, आप किस शहर से हैं और आपकी पढ़ाई लिखाई कैसे शुरू से हुई है और क्या क्या चैलेंजेस आपको देखने पड़े हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताओ। सर वैसे लाइफ में चैलेंजेस की तो मैं यही कहना चाहूंगी कोई कमी नहीं है, भगवान ने भर भर के चैलेंजेस दिए हैं। लेकिन दूसरा मैं मेरी मम्मी को बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे चैलेंजेस से लड़ना सिखाया, सबको मतलब कैसे सबको दूर करके हम आगे लाइफ में बढ़ सकते हैं। और मैं बारी बारी में आपकी टीम को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी, उन्होंने मतलब पढ़ाने के साथ साथ जीवन को कैसे जिया जाता है, लाइफ को जीने का तरीका सिखाया है। बारी बारी में हर लेक्चर लेने से पहले एक दो मिनट ऐसा होता है कि जब आप लोग लाइफ पे डिस्कस करते हो, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं जब लगभग फिफ्थ या सेवन्थ क्लास में थी उस टाइम मेरे पापा की डेथ हो गई थी, वो टाइम मेरे लिए बहुत स्ट्रगलफुल रहा है। उसके बाद मतलब घर की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो भी एक बार के लिए बहुत डाउन हो गई थी। उसके बाद मेरी मम्मी ने प्रिपरेशन स्टार्ट की गवर्नमेंट जॉब की, अभी बाय गॉड वो लेक्चरर हैं, कॉलेज लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड से। वाह क्या बात, बहुत बढ़िया। मतलब मुझे ये देखने को मिल रहा है बच्चे कि एक तरफ तुमने अपने चैलेंजेस को ओवरकम करके अच्छा परफॉर्म किया है, वहीं माताजी ने भी यही किया कि अपने चैलेंजेस ओवरकम करके और एक बेहतरीन, तो मतलब एक लेक्चर ये इससे अच्छा परफॉर्मेंस का ही होगा। और दिल से सैल्यूट है हमारी टीम की तरफ से आप दोनों को। और ये ना बच्चे आपको पता है ये चैलेंजेस जो होते हैं, आपके ना आपने कि भगवान ने भर भर के चैलेंजेस दिए हैं, तो अब देखो भगवान भर भर के उसको रिटर्न कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये टेस्ट होता है जो केवल एग्जाम का ही टेस्ट नहीं होता है, लाइफ का भी होता है, और आगे और बढ़िया ही आप करोगे। और आपको पता है बच्चे इस तरह के चैलेंजेस ना, और इससे भी बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस बहुत सारे बच्चे बहुत जगह झेल रहे हैं। और ये जो मैं इंटरव्यू आपका कर रहा हूँ ना, ये सिर्फ इसका टारगेट यही है कि वो बच्चे सुने। कई बार क्या होता है, जैसे तुम भी मेरी क्लास में थी और जैसे आप बता रहे हो ना कि हम लोग लाइफ पे बोलते हैं, कई बार बच्चों को लगने लगता है यार ये लोग लेक्चर देते हैं, हाँ लाइफ ये हो जाती है वो हो जाती है, ये प्रैक्टिकल है। देखो मैं जो बच्चे अभी यहाँ है, मैं चाहता हूँ देखो कि देखो ये बच्ची एकदम जीता जागता उदाहरण है कि कैसे सच में चैलेंजेस को। कुछ बच्चे कहते हैं अच्छा मेरे घर में यार एक महीने की फीस भरने की नहीं है, मैं कैसे कभी बढ़िया टॉप कर जाऊंगा स्कूल से पढ़ के। देखो ना एग्जाम्पल है, तो ये बहुत बहुत हौसले की बात है, और हौसले जिनके पास रहेंगे वो एक दिन बहुत अच्छा करेंगे, इसमें कोई डोर राय नहीं है। तो राजस्थान में किस जिले से हैं बच्चे आप? बीकानेर से। सॉरी, बीकानेर। बीकानेर, बीकानेर से हैं आप। तो वहां पे जो एजुकेशन सिस्टम है वो मतलब आपको कोई स्कूल में प्रॉब्लम हुई या कैसा स्कूल का माहौल कैसा है, या आप कैसे आप लोग स्कूल और बाकी की ऑनलाइन पढ़ाई कैसे मैनेज करते थे बच्चे? जो मेरी स्कूल का एनवायरनमेंट है वो भी मेरी सक्सेस में मतलब एक रोल मॉडल की तरह ही है। स्कूल का एनवायरनमेंट, मैं चाहता हूं आप अपने स्कूल का भी नाम लो। स्कूल का नाम SSR सीनियर सेकेंडरी स्कूल रूनकरन सर। बहुत बढ़िया। तो आप स्कूल और ऑनलाइन स्टडी दोनों कैसे मैनेज करते हो बच्चे, कैसे आपको कोई दिक्कत तो नहीं आई? नहीं, एक बार स्टार्टिंग में मैनेज करने में प्रॉब्लम आई थी, लेकिन फिर मैंने टाइम को मतलब उस हिसाब से डिवाइड कर दिया कि साथ में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत बढ़िया। मैं अर्ली मॉर्निंग 3 बजे उठती थी, 3 बजे उठकर जो मतलब रात को पढ़ा है उसका पहले रिवीजन करती थी, उसके बाद एक एक कोई भी सब्जेक्ट की लाइव क्लास लेती थी। हाँ बेटा आप बताओ। रिवीजन करने के बाद मैं कोई भी यूट्यूब से या फिर आपके चैनल से क्लासेस लेती, फिर जो मैंने उस क्लास से पढ़ा वो मैं एनसीईआरटी में देखती, फिर उसके नोट्स खुद बनाती, फिर स्कूल में जाकर उसमें मतलब जो मैंने नोट्स बनाए या जो क्लासेस ली उसमें कोई डाउट होता तो स्कूल में जाके टीचर्स की हेल्प से उन्हें सॉल्व करती, शाम को आने के बाद जो टेस्ट वगैरह होते हैं उनकी प्रिपरेशन करती, और सोने से पहले फिर रात की क्लास लेती। इस तरह से देखो कुछ बच्चे कहते हैं ना, बच्चों ध्यान से सुनो, कुछ बच्चे कहते हैं सर कैसे टॉपर बनते हैं,
अगर अगर इस बच्ची ने जो बताया है अगर आप ध्यान से सुनोगे ना तो आपको ये लगेगा कि इसने 24 घंटे को सजाया हुआ है। ये होता है, आपको टाइम की वैल्यू समझ के ना टाइम को सजाना पड़ेगा। बच्ची 3 बजे उठी। एक तो मैं सभी बच्चों से कहता हूं भैया जीवन में जो कुछ हासिल करना है उसके लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना सीखो। बिल्कुल क्लियर कट बात है। आप 3 बजे 4 बजे अगर उठते हो ना तो आपका वैसे ही 20% 40% में चेंज हो जाएगा, वो आप करके देख लेना। दूसरा, इस बच्ची ने सबसे पहले इंपॉर्टेंट बताया कि उठते ही मैं पहले रिवीजन करती हूँ। ये बहुत बच्चों के साथ दिक्कत आती है, उसको लगता है आज उठ गया चलो आज ये भी पढ़ लो आज ये भी पढ़ लो। नहीं भैया, पहले रिवीजन करो, जो है उसे होल्ड कर लो। जो नए बच्चे 2025 के लिए आ रहे हैं, मैं बता रहा हूं सिलेबस उतना बड़ा नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। आप साल भर में बड़े आराम से सिलेबस को 10 बार पढ़ सकते हैं। वो अलग बात है कि स्कूल का एक साइकिल चलता है तो आप उसी हिसाब से धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन आप यकीन करिए जो आप पढ़ रहे हैं उसे रिवाइज करते रहिए। तो इस बच्ची ने ये एक बहुत अच्छी चीज बताई कि भाई मेरा रिवीजन से शुरू होता था और लास्ट मोमेंट में मेरा 1-1 घंटा इसका स्कूल और कैसे पढ़ने के बाद और कैसे डाउट सॉल्विंग, और कहीं ना कहीं कोई ऐसा भटकाव दिखाई नहीं दे रहा है जिससे ये लगे कि इसका कोई टाइम वेस्ट हो रहा हो। दूसरा, बच्चे आप ये भी बताओ कि जाहिर सी बात है आपके दिनचर्या से लग रहा है कि आप बहुत मेहनत करके पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन हम लोग आप भी बच्चे ही हो और सोसाइटी भी होती है, फ्रेंड्स भी होते हैं, कभी कभी पढ़ते पढ़ते थकान भी होती है, फ्रस्ट्रेशन भी होती है, उसके लिए आप क्या करते थे? आप कैसे अपने आप को बैलेंस करते हो? कैसे अपने खेलने का या फ्रेंड सर्कल का और पढ़ाई का टाइम मैनेज करते हो? या उसके लिए कोई स्पेशल डे रखा था? कैसे करते हो? स्पेशल डे जैसा तो कुछ नहीं था। जैसे अगर मैं ऑनलाइन क्लासेस लेते लेते बोर हो रही हूँ या फिर ऐसे हो रहा है कि मैं एनसीईआरटी पढ़ती पढ़ती मतलब नहीं हो रहा है मेरे से, तो मेरा मतलब आगे का भी ड्रीम है कि मैं यूपीएससी का एग्जाम दूँ। तो मतलब बच्चे नॉर्मली फोन यूज करते ही हैं और उसमें क्या करते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टा, इन सब में उलझे रहते हैं। करेक्ट। तो मैं इसको मतलब ऐसे करती थी कि इससे मेरा बेनिफिट भी हो। तो बोर होने के टाइम मैं ऐसे इंटरव्यू चला लेती थी कोई भी टॉपर्स का, फिर उसको देखती थी। क्या बात है, ये परफेक्ट। देखो अब ये ना, मैं बेटा मुझे कुछ कहने के लिए बचा नहीं है, ये साफ बता रहा है ना कि भाई टॉपर कैसे बनते हैं, कि जिसको कहते हैं ना, बच्ची ने इंटरटेनमेंट केवल नहीं किया, इंफोटेनमेंट किया। इसको आपने जो किया बच्चा, उसको इंफोटेनमेंट कहते हैं कि मैं मौज मस्ती के साथ इंफॉर्मेशन भी गैदर कर रहा हूँ। ये नहीं कि बस मेरे को टाइम मिला तो मैं बस बैठ के कोई और कोई हंसी मजाक वाली बहुत चीजें तो मेरा टाइम भी वेस्ट हो गया और उधर भी चला गया। नहीं, हमें कुछ देखना भी है तो ऐसा जिससे कुछ मोटिवेशन मिले। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा बच्चे इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के बारे में बताओ कि उसको पढ़ते समय आपको क्या फील हुआ और कैसे उसके लिए स्ट्रेटेजी की, या कोई, जैसे इकोनॉमिक्स एक बड़ा अलग सा सब्जेक्ट हो जाता है, एक तरह से ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में कॉमर्स घुस जाती है, तो उसको लेकर कोई परेशानी हुई या उसको लेकर आपका क्या पूरा था प्लान, ये भी बताओ। इकोनॉमिक्स में मेरे प्रॉब्लम रही है, स्टार्टिंग से ही रही है। फिर मैंने सोचा कि ऐसे प्रॉब्लम करते रहेंगे तो फिर कुछ होने वाला तो है नहीं, अब सब्जेक्ट ले लिया है तो फिर इसे पढ़ना भी पड़ेगा। करेक्ट। एक बार जब मैं सोच रही थी कुछ समझ आए या ना आए, बस एक बार पूरा चैप्टर है वो रीड कर लो, कुछ तो मतलब समझ में आएगा ही, 100% नहीं तो कम से कम 20% तो समझ आएगा ही, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं करके चलती थी। फिर मतलब कई बार आपकी क्लासेस में भी मेरे समझ में नहीं आया, फिर मैंने सोचा कि ऐसे तो एक बार पढ़ने से तो किसी को भी समझ में नहीं आता है, फिर मैंने आपकी एक क्लासेस ली, फिर रिविजन किया, फिर भी समझ में नहीं आया तो एक बार बुक पढ़ी, बुक में भी समझ में नहीं आया तो स्कूल में टीचर्स थे उनसे किया, फिर भी समझ में नहीं आया तो एटलीस्ट लास्ट ऑप्शन अविनाश जी सर ही थे, फिर उनका ऐसे मेरी फिर तुम अविनाश सर बोल रही हो, किसी को लगेगा कोई और सर होंगे। जो इकोनॉमिक्स की अविनाश सर मेरी ऐसे भूल भुलैया टाइप रही है, मैं कभी एक चीज की नहीं पाई, जो न्यूमेरिकल्स थे उनमें प्रॉब्लम आती थी, मतलब क्वेश्चन सही करती थी लेकिन लास्ट में पता नहीं क्या होता था, आंसर अपने आप ही गलत आता था। फिर मतलब सब कुछ जो हुआ है आपकी टीम की वजह से, और मोस्टली मैं कहना चाहूंगी कम पढ़ो लेकिन जितना पढ़ा है उसका रिवीजन बहुत मतलब जरूरी है करना। अगर आप ज्यादा को लेके बैठोगे तो फिर पीछे वाला है वो भूलते जाओगे, मेहनत भी करोगे लेकिन उसका कुछ प्रॉफिट भी नहीं होगा आगे। बिल्कुल सही बात बोला आपने। क्या बच्चे आपने सीयूईटी की परीक्षा भी दी है? हाँ, सीयूईटी दिया है और उसका भी बहुत अच्छा गया। अच्छा गया। क्या क्या डोमेन रहे आपके सीयूईटी में? मेरे डोमेन इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल विद जनरल टेस्ट। क्या बात है, तो पॉलिटिकल में 200 में 200 एक्सपेक्ट करें? जरूर सर, एकदम। बहुत बढ़िया यार, तुम लोग ही देखो, कोई भी टीचर अपने आप को तभी सामने खड़ा कर पाता है बच्चों के ना, जब पीछे आप जैसे बच्चों का रिजल्ट है, और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। जैसे इस बच्ची ने मुझे, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, जैसे इस बच्ची ने मुझे इसका रिजल्ट मैंने देखा, मैंने तुरंत इससे बात करी, बच्ची ने कहा सर बिल्कुल अच्छा आया, बढ़िया। मैंने कहा अब तो तुरंत आज ही मुझे बात करनी इस बच्ची से, क्योंकि ये जो रिजल्ट आए हैं ये बच्चों पर, कई बच्चे ऐसे हैं जो या तो खराब रिजल्ट की वजह से परेशान है या जिनको अगले साल देना है वो डिप्रेस रहते हैं कि यार बोर्ड देना है बोर्ड देना है। तो देखो, अगर बोर्ड ही नहीं, आगे कोई भी परीक्षा देनी है, जो इसने 2-3 बातें बताई ना, ये बोर्ड से लेके यूपीएससी आईएएस तक आपके लिए काम आएगा। वो कौन सा? टाइम मैनेजमेंट,
एक अच्छा रिवीजन का एक आपका तरीका, एनसीईआरटी, अब हर एग्जाम के लिए कुछ और नोबल, देखिए एनसीईआरटी क्या है, बोर्ड्स के लिए और यूपीएससी वगैरह के लिए तो गीता बाइबल से कम नहीं है, तो एनसीईआरटी का अच्छे से इस्तेमाल, शॉर्ट नोट्स बनाना और अपने खाली टाइम को भी इस तरह एंजॉय करना कि कुछ आपका एंटरटेनमेंट या कुछ आपका उससे इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो आगे और क्या सोचा है बच्चा, आपका क्या गोल है और क्या चाहते हैं आप आगे? आगे सर अभी मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दिया। ओके, तो यूपीएससी में उसमें भी आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से अप्रोच करेंगे? हां, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से मैं सोच रही थी ऑप्शनल में हिंदी लिटरेचर लेने का। हिंदी लिटरेचर, बहुत बढ़िया। ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो आगे आपको मनसा है कि आप बीकानेर से निकल के डीयू तक पहुंचे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आए, दिल्ली के माहौल में आए? मतलब जैसे मैंने घर पे आके क्वेश्चन पेपर मिलाए थे तो उसको देख के लग रहा है कि हो जाएगा, बाकी वो कट ऑफ पे मेंटेन करता है कि नहीं। बिल्कुल कट ऑफ पे तो हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अच्छा रिजल्ट आएगा। इस बार कट ऑफ थोड़ी वैसे भी नीचे आएगी, लेकिन बच्चे 12th क्लास में जो आपने ये अटेम्प्ट किया है, जो ये आपने अच्छा नंबर लिया, इसके लिए हम आपको भी बधाई देते हैं, आपकी मम्मी को विशेष करके हमारी तरफ से बधाई है, हमारा नमस्ते भी कहिएगा, और आप अपने घर में जो जूनियर्स हैं, आपके शहर में, मोहल्लों में जो लोग हैं, उनके लिए भी प्रेरणा के स्रोत हैं और बाकी बच्चों के लिए भी हैं। हमारी टीम्स का साथ केवल आपसे यहीं तक नहीं है, सीयूईटी में तो हम आपके साथ हैं ही, आगे भी अगर आपको किसी भी तरीके से कोई भी गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी तो जिस मामले में हम सक्षम रहेंगे हम आपसे जुड़े रहेंगे, और हम आशा करते हैं कि हमारी जो ये ममता है ये आगे के भी और एग्जाम्स में, हम आप सीयूईटी रिजल्ट में भी तुम्हारा इंटरव्यू करने का मौका मिले ऐसा हमारी कामना है, और आगे तुम यूपीएससी भी करो तो उसमें भी जरूर अपने अवनीश सर को याद रखना और हमारी टीम को याद रखना। तो बहुत अच्छा लगा बेटा आपसे बात करके, और आपको बहुत बधाई, आज आपका दिन है, आप एंजॉय करिए, बहुत धन्यवाद बेटा और बहुत बधाई। सर मैं एक चीज बोलना चाहूंगी सभी को जो भी स्टूडेंट्स ये इंटरव्यू देख रहे हैं, मतलब कुछ बच्चों का ऐसे होता है कि मैं इतने घंटे पढ़ लूं तो शायद ऐसा हो जाए, इतना ज्यादा पढ़ लूं तो शायद ऐसा हो जाए। मैं स्पेशली ये बोलना चाहूंगी कि घंटे मेंटेन नहीं करते हैं, मेंटेन ये करते हैं कि आप उस घंटे में कितनी पावरफुल स्टडी कर पाते हो, उसको कैसे मैनेजमेंट कर लेते हो। अगर आप 3 घंटे भी पढ़ो तो उसमें ऐसा पढ़ो कि आप 1 मिनट भी आपका माइंड डाइवर्ट ना हो, आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन है वो बुक की तरफ हो। यहाँ पे क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है, जैसे कि अवनीश सर बता रहे हैं। बिल्कुल, मैं तुम्हारी बात समझ गया था, इसलिए मैंने लिखा कि मात्रा नहीं गुणात्मकता उसकी इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, और ये बिल्कुल सही बात कही बच्चे आपने, बहुत बढ़िया लगा। और ये कि हमें मतलब इतने परसेंटेज बनाने हैं, कोशिश कीजिए कि हम कितना से ज्यादा मतलब नॉलेज गेन कर सकते हैं, अगर नॉलेज गेन करोगे तो परसेंटेज अपने आप बन जाएंगे, और अगर आप परसेंटेज पे फोकस करोगे तो नॉलेज एंड परसेंटेज दोनों में मिस इश्यू हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फ्यूचर आईएएस से बात कर रहा हूँ। मेरी पूरी शुभकामनाएं बच्चे, मैं चाहता हूँ तुम आईएएस जरूर बनो, और जहां भी तुम लोगे आईएएस बनने के बाद मैं तुमसे जरूर मिलूंगा, और सीयूईटी में भी अच्छा करो, हम तुमसे जरूर मिलेंगे, तुमसे बात करेंगे, हमारी तरफ से शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू बच्चे। नेक्स्ट बैक बेंचर्स को भी बहुत सारी थैंक यू सर, आपका सपोर्ट रहा है पूरे साल भर, ये जर्नी थी बहुत इंटरेस्टिंग रही है, मेहनत तो थी लेकिन इसमें एंजॉय ज्यादा किया है मैंने आपके चैनल के थ्रू। चलो बहुत बढ़िया है बच्चे, हमारा यही ध्येय रहता है, और किसी भी तरह से तुम्हारा अच्छा नंबर आया इससे हमें ज्यादा खुशी है। ठीक है बच्चे, बाय, थैंक यू, ओके टीम कट करिए।